आदरणीय छजनों, आपके सामने ये जिक्री भजनों का दूसरा यानी कि द्वितीय चरण चालू है। आप सभी से यही करवे निवेदन, प्रार्थना, विनती, आराधना, गुजर निवेदन करूंगी कि आप सभी जिस तरीके से आनंद लेते आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहे। गौर करेंगे, कवि ने अपने शब्दों में लिख दिया है और बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, क्या कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कि कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है सोए, कि वो ईश्वर जग में एक है और ये चंदा सूरज दो, कि पाप जगत में जग रहा और धर्म रहा है सोए। तो आइए चलते हैं, गौर करेंगे, आप अपने ध्यान को लगाएंगे, पुनः प्रस्तुति वही और जहां पहले मेरे प्रिय प्रसंग को छोड़ा था, गौर करना। इधर वो बुढ़िया अपना एक लकड़ियों का गट्ठर बना लेती है, इधर राजा हरिचंद को आते हुए देखा, गौर करेंगे राजा हरिचंद से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, आराधना करने लगी। इधर हाथ जोड़ करके जब बुढ़िया ने कहा, हे राजन मेरे इस बोझ को जरा उठवा दीजिए, आहा सजनों गौर करेंगे जवाब दिया अर्थ में कि पहल पत्ते ही नट गया राजा। क्या हुआ? अरे पहल पत्ते ही नट गया राजा, ना तेरो बोझ उठाऊंगा पर कितने उबोते कहे बुढ़िया ना बोझ ते हाथ लगाऊंगा, कि जितकू राजा बाज भरावे। क्या हुआ? अरे जितकू राजा बाज बढ़ावे और ये इतकुई रब को टोके और ये गैल भूबगी रोके। आहा सजनों बार बार वो बुढ़िया उस राजा की रास्ते को रोकने लगी। इधर अभिमान में आकर के राजा हरिचंद नहीं जान सके, गौर करेंगे इधर उस बुढ़िया को जवाब दे रहे हैं और सुनेंगे लंगड़ा ढोला में क्या, गौर करेंगे कहने लगा हुआ राजा, हे बुढ़िया मेरे पास से दूर हट जा, क्यों? अरे तेरे शरीर से मुझे बू आती है, जब इतने शब्दों को कहा, गौर करेंगे और जवाब दे रहा क्या, हे रे बस यूं चल यहां नहीं मोए दीखे और अरे काहे कुबुड़िया ना पे चीखे।
क्या किया, अरे मार धक्का, अरे मार धक्का, अरे मार धक्का किया है धन। इधर वो राजा उस बुढ़िया में धक्का मार देता है, लेकिन इधर वो बुढ़िया धरनी में गिर जाती है और रो रही है, विलाप कर रही है, कैसे शब्दों को कहा, एकदम से राजा खड़ा हो जाता है, लेकिन अभिमान में आकर नहीं समझ पाया। इधर गौर करेंगे, वो बुढ़िया उस राजा को बारहमासी में जवाब दे रही, और क्या हेरे तू राजा बलवान, क्या कहा, हाँ हेरे तू राजा बलवान और मैं एक अबला नारी, हेरे तो ताजक भयो अभिमान आज तेरे अकल ही कहिए बारी, हमारा छोटा सा भाई देता है, क्या कहने लगी, कैसे अर्जी ना सुनी मेरी, अर्जी ना सुनी मेरी, अर्जी ना सुनी मेरी, रख अर्जी ना सुनी मेरी, क्यों अरे नीच आज औकात भूप में जान लगी तेरी, कहने लगी क्या
आप बसे एक दिन मरबत में क्यों लबचना एक खाली चावे तेरे शरीर से मुझे बुआती है, लेकिन सुन आज मैं तुझे शराब देती हूँ। और क्या कहा, करे तू भंगी घर बासो, करे तू भंगी घर बासो, करे तू भंगी घर बासो, रे करे तू भंगी घर बासो, क्यों काय बे कुमले ना अन्न रुपए दे हाजी। गौर करेंगे सज्जनों, गाना उस समय का है, एक समय की बात। राजा हरिचंद जल लेने के लिए गंगा घाट पर आ जाते हैं। इधर उसी घाट पर रानी तारा मिश्र के यहां से जल लेने के लिए आ गई। आहा सजनों, आज इधर रानी तारा को आते हुए देखा, राजा हरिचंद ने जवाब दिया है, रानी मेरे पानी के घड़े को चुबा। इधर रानी तारा ने दूर खड़े होकर इनकार कर दिया, हे राजन ऐसा कदाचित भी नहीं हो सकता, क्यों मैं एक मिस्र के घर से और तुम एक मेहतर के घर से, हमारा ये धर्म नहीं है। आहा जब इतने शब्दों को सुना, राजा की आंखों से नीर बहने लगा। गौर करिएगा, बार बार रानी तारा को कहने लगे और किस तरीके से जवाब देने। कि घड़ा मेरा उच्च भाई दे ओ तारा बदसी, अरे घड़ा मेरा उठ बाई दे क्यों करते सोच विचार, ओ उठ बाई दे हो उठ बाई दे घड़ा तारा, उठ बाय दे घड़ा तारा और उठने न पाया है, उठ बाय दे घड़ा तारा।
पे गौर करना और कहने लगे, हे रानी तारा एक मेरी बात सुनिए। और क्या चलवल ने तारा कहने लगे, हो इस चलवल ने तारा हो कंगाल बनाया। कुछ भी ना छुपाया
आकाशवे हिलानी हो उठ बाय दे भोजन नहीं